इस कदर बढ़े कि एक महीने में इस कदर बढ़े, गोया कि आम बच्चा जो साल भर खाता रहता है, पीता रहता है, वो तब बढ़ता है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम एक महीने में एक साल के बराबर होने लगे। अल्लाह तबारक व तआला इस कदर में आपकी हिफाजत फरमाई। 13 साल की उम्र के या 17 साल की उम्र के होकर आप वहां से उस घर से बाहर तशरीफ लाए और फिर आपने बाहर आकर लोगों से मुनाजरे किए, कोई वो सितारे को पूछ रहा है कहता है ये खुदा है, कोई तुझे चांद को पूछ रहा है कहता है ये खुदा है, कोई सूरज को खुदा कर रहा है कहता है ये खुदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी अपनी माँ के पास है, अभी हाल में ही है, तो माँ से भी कहते हैं माँ बता तो सही ना कि मेरा रब कौन है, मुझे पालने वाला कौन है। माँ कहती है बेटा मैं हूँ, मैं तुझे पालने वाली हूँ, मैं तेरा रब हूँ। मुजाहिद तौर पर कहा अच्छा माँ मुझे तू पा रही है, माँ बता तेरा रब कौन है। कहा बेटा तेरा बाप जो कमा कर लाता है मुझे देता है, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी खिलाती हूँ। कहा माँ अच्छा फिर बता उसका रब कौन है, उसका खुदा कौन है, उसको पालने वाला कौन है, उसकी उसका जो है परवरदिगार कौन है, उसको रोजी रोटी देने वाला कौन है, उसे पैदा करने वाला कौन है। अब माँ कहती है बेटा खामोश हो जा, कहीं ऐसा ना हो बाहर वाले सुन ले और इसी डर और मौत की वजह से तो अपने बेटों की मौत को जाना है। तो वो बोली है अल्लाह अकबर, तो आप पढ़े जाते हैं सितारों को पूछता कह रहे हैं ये खुदा है, आप फरमाते हैं कैसे खुदा हो सकते हैं जो निकलते हैं और डूब जाते हैं और इनसे बड़ा बचाव है। चांद वाले कहते हैं ये खुदा, फरमाया ये सितारे कैसे खुदा है, उनको इनकार कर दिया। कहा चांद कैसी है जो छू जाता है, उसका इनकार फरमा दिया। फिर सूरज निकला, सूरज वाले कह रहे हैं ये सूरज सबसे बड़ा है, ये खुदा आप फरमाया ये कैसे हो सकता है जो गरूब हो और फिर शाम को गरूब हो जाए। आपने फरमाया नहीं ये खुदा नहीं है, वो खुदा है जो इसका भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, तेरा भी मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, तमाम जमीनों आसमानों का परवरदिगार है, वो खुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। आपने फरमा दिया। अब हमें इस प्रकार पता ये चलता है कि जिस मालिक लम्जल ने जिसकी ड्यूटी लगाई है जिस काम के लिए, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम लेना है। वो इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आपकी वालदा का, आपने उसके इम्तिहान में कामयाबी जो है वो हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए।